जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910। तो नवाब राय से किस प्रकार उन्होंने प्रेमचंद के रूप में अपना लेखन शुरू किया, तो इसे आप एक संयोग कह सकते हैं। और इस संयोग के चलते हिंदी को एक इतना बड़ा साहित्यकार मिला, जो कि हो सकता है कि अगर ये चीज ना घटती तो वो उर्दू में ही लिख रहे होते और प्रेमचंद के रूप में हम लोग के समक्ष ना ना आते, हो सकता था। और थोड़ा आगे चलें तो 1915 का समय जो है, उस समय हिंदी की मासिक पत्रिका थी सरस्वती, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और दिसंबर अंक में उनकी कहानी सौत के नाम से प्रकाशित हुई। तो पहली बार ये कहानी प्रकाशित हुई थी और हिंदी में प्रकाशित हुई। और उनका हिंदी का पहला उपन्यास 1918 में सेवा सदन प्रकाशित हुआ, और इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी कथाकार बना दिया। ठीक है, किसने? सेवा सदन ने। ये पहला उनका हिंदी का उपन्यास था। और हालांकि उनकी सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में प्रकाशित होती रही, उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा डेढ़ दर्जन उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तो बहुत सारा साहित्य का सृजन उन्होंने किया है। अब आगे चलते हैं। और 1921 के दौर में उनको सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद वो पूरी तरह से जो है वो उन्होंने सरकारी नौकरी भी की, और फिर बाद में वो उससे त्याग पत्र उसको रिजाइन करके वो साहित्य सृजन के कार्य में लग गए। उन्होंने कुछ महीने तक जो है मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन भी किया, और उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक माधुरी पत्रिका का संपादन किया। तो एज ए एमए के स्टूडेंट आपको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हंस पत्रिका, माधुरी पत्रिका या जमाना पत्रिका, ठीक है, या सरस्वती पत्रिका, ये उस दौर की प्रसिद्ध पत्रिकाएं रही, जिनमें से माधुरी का संपादन का कार्य उन्होंने लगभग 6 साल तक किया। और 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। बेदखली क्या होती है? जैसे जो जमींदार लोग थे वो क्या करते थे, किसी ना किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद अपना कर जो मजदूरों की जमीन होती थी उसको छीन लेते थे और उसके ऊपर अधिकार जमा लेते थे, और उसके अधिकार से उनको बेदखल कर देते थे। ठीक है, तो ये जो बेदखली की समस्या है, जो कि गांव देहात में बहुत ज्यादा महाजनी और साहूकारी और जमींदारी प्रथा के कारण जो है भारत की बड़ी समस्या रही, तो इसके ऊपर प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा। और 1925 में, ठीक है, रंगभूमि नामक बृहत उपन्यास उन्होंने लिखा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस उपन्यास के ऊपर जो उस समय का बड़ा प्रसिद्ध पुरस्कार था, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक कहा गया है, ये पारितोषिक उनको मिला। और ये 1926-27 के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की, और बाद में प्रेमाश्रम आया, फिर रंगभूमि आया, और उसके बाद उन्होंने जो महादेवी वर्मा जी की पत्रिका थी चांद, उसके लिए निर्मला उपन्यास की रचना की। मतलब उस पत्रिका में एक एक सीरीज के रूप में ये लिखा गया और बाद में निर्मला के रूप में ये प्रकाशित हुआ। तो ये कहानी रही। अब इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान जैसे उपन्यासों की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस में अपना मासिक पत्र हंस का प्रकाशन शुरू किया, और 1932 में उन्होंने हिंदी का साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जागरण अभी भी प्रकाशित होता है, ठीक है, ये साप्ताहिक है, तब साप्ताहिक था, अब दैनिक जागरण के रूप में प्रकाशित होता है, तो इसका भी प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की, और उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी भी की, और 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी भी उन्होंने लिखी थी। 1920 से 1936 तक प्रेमचंद लगभग 10 से अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे, और मरणोपरांत उनकी कहानियां मान सरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल साहित्य या विपुल लेखन उपलब्ध है। तो ये आपने देखा कि उनकी साहित्यिक यात्रा और जो उनकी कहानियां हैं वो 8 खंडों में मानसरोवर में संकलित की गई है। बहुत सारी कहानियां, लगभग पहले ही बताया कि 300 के लगभग कहानियां हैं उनकी, और अभी तो आप देखें कि इतनी कहानियां उनकी इतनी पॉपुलर हैं और इतनी लोकप्रिय हैं कि
ये नहीं कह सकते कि कोई एक वर्ग उसे पढ़ता हो, उच्च वर्ग से लेकर के रेलवे स्टेशन का जो बहुत कम पढ़ा लिखा अति निम्न वर्ग का मजदूर भी जो है रेलवे स्टेशन से उनकी प्रेमचंद की कहानियों को किताब खरीद के पढ़ता है और उसे आत्मसात करता है और उसमें उसमें आनंद अनुभव करता है, तो इतनी लोकप्रिय है उनकी कहानियां। तो अब थोड़ा सा हम एक बार उनके उपन्यासों पर एक फटाफट नजर डालेंगे। सारे महावीर उपन्यास उर्दू के साप्ताहिक आवाज एक खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ और बाद में ये हिंदी में देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ, असरारे महावीर। फिर हमखुरमा, जिसको मैंने कहा बाद में प्रेमा के नाम से ये प्रकाशित हुआ, 1907 में ये हमखुरमा या हम सवाब के नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में वो प्रेमा के नाम से प्रकाशित हुआ। वैसे कृष्णा एक उपन्यास लिखा जो कि इस संदर्भ में अमृतलाल लिखते हैं कि उनकी समालोचना अक्टूबर नवंबर 1907 के जमाना में निकली, इसी आधार पर कृष्णा का प्रकाशन 1907 में ही कल्पित किया गया। तो अमृत राय जो है ये इनके बेटे हैं, ठीक है, और ये कहते हैं कि 1907 में कृष्णा का प्रकाशन हुआ। और फिर बाद में रूठी रानी आई, रूठी रानी भी जमाना में प्रकाशित हुआ 1907 अगस्त में। फिर जलवा इशार ये 1912 में प्रकाशित हुआ। फिर सेवा सदन 1918 में प्रकाशित, सेवा सदन ये हिंदी का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। और मूल रूप से उन्होंने बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया, तो बेसिकली मूल रूप से इसे बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा था और बाद में इसे हिंदी में सेवा सदन के रूप में प्रकाशित किया गया। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित है, इसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं का कारण और प्रभाव शामिल है। रामलीला शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते। तो ये पहला हिंदी का उपन्यास सेवा सदन। फिर प्रेमाश्रम आया, ये किसान जीवन पर आधारित उनका उपन्यास है, इसका मसौदा भी उर्दू में गोसाया आफियत के नाम से तैयार हुआ था। देखिए आप पहले हर चीज उर्दू में ही सोचते थे, उर्दू में ही लिखते थे, बाद में वो हिंदी में आए और गोसाया आफियत के नाम से प्रेमाश्रम का जो मसौदा वो तैयार किया गया। लेकिन इससे पहले हिंदी में इसे प्रकाशित कराया और यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया। इस संदर्भ में वीर भारत तलवार किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें सावंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर्विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी अंदर पढ़ने वाले हर सामाजिक तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यम वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया। प्रेमाश्रम के बारे में आपको यही याद रखना है कि जो हिंदी बेल्ट है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो कि बेसिकली मूल रूप से किसान बहुल या किसान प्रधान क्षेत्र के उत्तर प्रदेश और बिहार, तो वहां पे जो किसानों के समस्या है और जो अवध किसान आंदोलन शुरू किया गया था उसको बेस बना के, उसको आधार बना के उपन्यास लिखा गया। और इसमें सामंती व्यवस्था, किसानों के अंतर विरोध से लेकर जमींदार, तालुकदार और उनका जो एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, अभी भी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, हालांकि बहुत सारी चीजें यहाँ बदल गई है, लेकिन इस चीज को आधार बना के प्रेमाश्रम उपन्यास 1922 में लिखा। बाद में हम चलते हैं रंगभूमि की ओर और जो आज हम चर्चा करेंगे एक अंधे भिखारी सूरदास की कथा है और उसको नायक बना के यानी उसको हीरो के रूप में प्रेजेंट किया है और एक साहित्य में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया, क्योंकि नायक की भूमिका में कहीं फिट नहीं बैठते सूरदास, लेकिन उसको नायक बनाया गया है इसको। खैर इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर 1925 में निर्मला आया, ये अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है, यानी जो शादियां होती थी पहले उम्र में और बहुत सारी चीजों में बहुत अंतर होता था, लेकिन फिर भी इस तरह का जैसे बाल विवाह और ये सब चीजें जो है अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित किया गया निर्मला में। फिर कायाकल्प आया है और फिर अहंकार भी इसके साथ ही प्रकाशित हुआ। और अमृत राय कहते हैं कि अनातोल फ्रांस के थायस नाम के जो उपन्यास का जो भारतीय जो उपन्यास है उसका भारतीय परिवेश का रूपांतर है अहंकार, अहंकार। आगे चलते हैं प्रतिज्ञा, विधवा जीवन के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। फिर गबन आ
लिखा गया उपन्यास, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जालपा, और उसके दाम्पत्य जीवन पर लिखा गया, ठीक है, कि कैसे एक गहने के लिए जो है जालपा की जो लालसाएं हैं वो कैसे उसके पति को मजबूर करती हैं, और किस तरीके से जो है छोटी छोटी मानव जीवन की आकांक्षाएं जो है उसको गलत रास्ते पर भी ले सकती हैं। फिर कर्मभूमि जो अछूत समस्या के ऊपर आधारित है, और उसमें अछूतों का मंदिर में प्रवेश, लगान आदि समस्याओं को उजागर करने वाला उपन्यास है। और गोदान तो खैर कालजयी कृति है, और ये उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, और जिसे हिंदी ही नहीं, भारतीय ही नहीं, बल्कि विश्व उपन्यास साहित्य में बड़ा ही सम्माननीय और महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। गोदान को आप सभी जानते हैं, होरी की कहानी है, ठीक है। इसे इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काव नाम से प्रकाशित हुआ। मंगलसूत्र उन्होंने लिखा जो कि अधूरा रह गया, बाद में उनके बेटे ने उसे पूरा किया अमृत राय ने, ठीक है। और उनके देहांत के बाद 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था मंगलसूत्र। अब थोड़ा सा हम सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि देखते हैं रंगभूमि की, कि उस समय दौर क्या था। तो जैसा आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, आज से लगभग 100 साल पहले हम चले जाते हैं, आज ये 2020 है, ये 1920 से 1936 तक का दौर है, जब भारत में रेलवे का बड़ा विस्तार हो गया था। भारत में रेलवे बिछाई, रेलवे लाइनें बिछ गई थी, रेलवे की शुरुआत हो गई थी, और अंग्रेजों का समर्थन करने वाला एक अभिजात वर्ग जो है अस्तित्व में आ गया था, यानी डाक सेवा, रेलवे की सेवा, और बहुत सारी चीजें जो, और अच्छा सुशासन कुछ चीजों में उन्होंने जो लाया, और कुछ आधुनिकीकरण जो किया, उसके लिए एक बड़ा वर्ग था जो अंग्रेजों का समर्थन करता था भारतीयों में। फिर नकदी फसलें किसानों की परेशानियां बढ़ा चुकी थी, भारत में सिगरेट की फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, गन्ना एवं नकदी फसल बन चुकी थी, गन्ना एक नकदी फसल बन चुकी थी, और कोल्हू से पेरे जाने वाले गन्ने से गुड़ की जगह चीनी मिलों में बनने वाले चीनी छोटे कस्बों तक पहुंच गई थी। तो ये देखिए वहाँ की जो हमारी खेतिहार की जो चीजें हैं वो कैसे बदल रही थी, जो धान चावल वगैरह उत्पादित करते थे किसान, वहां से वो शिफ्ट करके गन्ना आ गया था, और तंबाकू जो कि हम कैश क्रॉप बोलते हैं, जिससे कि ज्यादा उनको फायदा हो, इस तरह की चीजें आ गई थी। लेकिन उससे जो समस्याएं पैदा हुई थी उसके वो भी बहुत ज्यादा थी। भारत के गांव में गन्ने की खेती करने वाले बड़े जमींदार, और शहरों में मिल मालिक, बैंकर, दलाल सब अस्तित्व में आ चुके थे, और उनका उपन्यास गोदान उपनिवेशवाद के इसी विस्तार का इतिहास, ठीक है। तो ये जो जमींदारी व्यवस्था, शहरों में मिल मालिक, साहूकार, महाजन, ये बहुत ज्यादा जो है अपने जड़ें जमा चुके थे, और ये पूरी एक सिस्टम जो है बन गया था जो कि किसानों को का शोषण करने के लिए बेसिकली ये बना हुआ था। और इसको ये उस समय का ये सामाजिक स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि थी। फिर अगर थोड़ा पॉलिटिकली देखें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसी दौर में, ठीक है, जिसने कि पूरे भारतीय जनमानस को हिला करके रख दिया था, ठीक है। डॉक्टर आम्बेडकर विदेश से पढ़कर भारत वापस आ गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमारे संविधान को लिखने में उनकी सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका है, और वो आए थे, और उन्होंने दलितों की जो समस्या है और इसके ऊपर पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है उन्होंने इसके ऊपर प्रहार किया, और कैसे उन्होंने दलितों के लिए काम किया ये हर भारतीय जानता है, डॉक्टर आम्बेडकर। और स्त्रियां अब घर से बाहर निकलने लगी थी, और वेश्याओं ने अपनी नियति एक बन रहे राष्ट्र में तलाशनी शुरू कर दी थी। सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं, सामाजिक वातावरण में आपने जो कथा साहित्य रचे थे प्रेमचंद ने, उन्होंने अपने साहित्य में न केवल इन सबको जगह दी बल्कि उन्हें लोकप्रिय और गंभीर साहित्यिक कल्पनाओं का हिस्सा भी बना दिया। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक तरह से वर्जना मानी गई भारतीय समाज में, जैसे वेश्याओं की समस्या, इसके ऊपर कोई ज्यादा लिखता नहीं था या उसको ज्यादा साहित्य में स्थान नहीं देता था। तो चाहे वो एक खोमचे वाला हो, चाहे एक अंधा भिखारी हो, चाहे वेश्या हो, उन ऐसे चरित्रों को भी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में स्थान दिया और अपनी गंभीर साहित्यिक कल्पनाओं का हिस्सा बनाया। इसे देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भारतीय समाज का परिचय लेखक कहा था, और उनके कथा साहित्य में सेठ साहूकारों, मिल मालिकों, मजदूरों, किसानों, उजड़ों, वेश्याओं, छात्रों, फेरी और खोमचे लगाने वालों का जीवन उनकी हसरतों, उनकी नाकामियों, उनकी दुश्वारियां यानी मुश्किलों के साथ एकदम उभर के सामने है। तो अगर आप प्रेमचंद को पढ़ना चाहते हैं, प्रेमचंद को समझना चाहते हैं, तो आपको भारतीय समाज
भारतीय निम्न वर्ग, भारतीय मध्यम वर्ग को आप पूरा अध्ययन करना पड़ेगा और उसको जाने समझे को ना आप समझ सकते हैं ना उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये रहा। और अगर थोड़ा वैश्विक परिदृश्य देखें तो हमारा में पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था, अंग्रेजी भारतीय जनों को आशा थी कि ब्रिटेन भारत का, लेकिन जगह जगह किसानों ने टैक्सों से दबाए जाने लगा। यही वो दौर था जब अंग्रेज सरकार भारत में लोगों की जमीनें अधिग्रहण कर रही थी, अवध में किसान आंदोलन की शुरुआत थी, और ये वो दौर था जब बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रहे थे और प्रतापगढ़ और रामचंद्र किसानों से कह रहे थे कि वे अंग्रेजों को टैक्स ना दें। तो नेहरू का प्रवेश, विश्व युद्ध की समाप्ति, लोगों को उम्मीद थी कि अब जो है ब्रिटेन जो है भारत को बहुत सारी रियायतें देगा, यानी कि बहुत सारी ऑटोनॉमी दे देगा, स्वायत्तता, लेकिन वो हुआ नहीं था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो इस तरह की चीजें घटी। और 20 का दशक तो बहुत ज्यादा उथल पुथल भरा था और तब हमेशा लोगों को लगता था कि अब आजादी हमसे दूर नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा स्थापित हुई, ब्रिटिश शासन उप उत्पाद साहूकारी व्यवस्था ने हर ग्रामीण को कर्जदार बना दिया। तो जो साहूकारी व्यवस्था है वो आपने गांव देहात में देखा होगा किस तरीके से जो शोषण करते हैं, और इसे हम जो है ब्रिटिश शासन का बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद कह सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी उपन्यास को पढ़ने समझने से पहले थोड़ी सी उसकी राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को जान लेना बहुत जरूरी है कि किस राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में लेखक ने उपन्यास को लिखा है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है, वही रिफ्लेक्ट करता है जो समाज में घटित हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बताई। अब अगर हम देखें साहित्य के क्षेत्र में तो सेवा सदन आ गया था 1918 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1922 में, और बाद में रंगभूमि आ गया। और 1922 अक्टूबर से अप्रैल 1924 तक लिखा गया उपन्यास 1925 के आरंभ तक छप चुका था। भारत के इतिहास में वह समय था जब गांधी जी के प्रभाव में प्रेमचंद ने अपने वर्षों की पक्की नौकरी छोड़ दी थी। इसको समझिए आप, 1924 से 1925 तक का जो दौर था उसमें गांधी जी का जो प्रभाव था भारतीय जनमानस पर वो इतना ज्यादा था कि प्रेमचंद जी ने भी उनके आह्वान पर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। और असहयोग आंदोलन की जोरदार संघर्ष लहर आकर ठंडी हो चुकी थी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ लेकिन बाद में जो है उसकी लहर ठंडी हो गई, देश में निराशा छा गई, सांप्रदायिक दंगे हुए, आपसी फूट के बीजों के विषैले फल सामने आ रहे थे, आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद और विशेषतः विदेशी पूंजी की घुसपैठ बढ़ती जा रही थी, देशी और विदेशी पूंजी अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत कर रही थी। तो ये थोड़ी सी मैंने पृष्ठभूमि आपको बताई। अब हम उपन्यास के ऊपर चलेंगे कि इसको देख करके आपके दिमाग में अब ये आ गया होगा कि प्रेमचंद ने किस मनोदशा में और किस प्रकार की परिस्थितियों को अपने मन मस्तिष्क में रख करके इस उपन्यास की रचना की है। और अब आप देखेंगे कि उनके उपन्यास की हर एक कहानी में, हर एक चित्र में कहीं ना कहीं प्रतिफलन आपको दिखाई देगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसकी कहानी बता दूं कि दरअसल एक्चुअली कहानी क्या है। ठीक है, थोड़ा सारांश हम देखेंगे कि उपन्यास का सारांश क्या है, कहानी क्या है। बेसिकली तो गोदाम के पीछे एक विस्तृत मैदान था, वहां आसपास जानवर चरने आया करते थे। जॉन सेवक ये जमीन लेकर सिगरेट बनाने का एक कारखाना खोलना चाहते थे। जॉन सेवक जो कि एक बड़े कैरेक्टर है इसमें, ठीक है, और वो उनकी नजर में एक जमीन आती है और वो जमीन वो लेकर के वहां पे सिगरेट का एक कारखाना खोलना चाहते थे। जमीन किसकी है? जमीन सूरदास की है, और वह अपनी जमीन सिगरेट का कारखाना लगाने के लिए देना नहीं चाहता है। उसे कई तरह के लालच दिए जाते हैं, प्रलोभन दिखाया जाता है, लेकिन वह जमीन देने के लिए राजी नहीं होती। क्या जान सेवक वो बिना कारखाना लगाए चले जाते हैं, या सूरदास से जबरन जमीन छीन लेते हैं, या गांव वाले सूरदास का समर्थन करते हैं, या उसे अकेले ही जंग लड़नी पड़ती है? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जान सेवक हार नहीं मानते, बल्कि वो अपने जो ताकत है और अपने हथकंडे हैं उन सबको प्रयोग करके
सूरदास से वो जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं और अंततः वो सफल भी होते हैं। पहले पहले तो गांव वालों भी जो है सूरदास का साथ देते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा दबाव आता है और बहुत तरह की चीजें होती हैं तो धीरे धीरे गांव वाले भी जो है उनका साथ एक तरीके से छोड़ देते हैं और बाद में जमीन जॉन सेवक के पास चली जाती है। तो ये कहानी है। और जब चली जाती है तो सूरदास लेता है, सूरदास भी संघर्ष करता है। जब संघर्ष करता है तो उसके संघर्ष में जो गांधी जी का असहयोग और अहिंसा का जो तरीका है वो साफ दिखाई देता है, ठीक है। और उसको पता है कि बहुत मुश्किल है लड़ाई जमीन वापस लेने की, लेकिन वो लड़ता है। और साथ में पैरेलली एक लव स्टोरी यानी प्रेम का कहानी भी चलती है। यहाँ पे एक लड़की है, ईसाई लड़की सोफिया, जो विनय सिंह से प्रेम कर बैठती है। और जब हम देखते हैं कि विनय सिंह हिंदू है, सोफिया ईसाई है, तो यहाँ पे उस दौर में दो धर्मों के बीच, दो जातियों के बीच शादी की जो समस्या है वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जातपात के उस दौर में क्या सोफिया और विनय का विवाह सफल हो पाता है या प्रेम सफल हो पाता है, ठीक है। तो इसमें कहानी का जो नायक है वो सूरदास, ठीक है, वो मेन कैरेक्टर है। और उसने कहानी के हर मोड़ पे आप देखेंगे कि सूरदास को नायक रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसको हम देखें थोड़ा सा आगे, हम स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं स्लाइड नंबर 20, ठीक है, स्लाइड नंबर 20 कनेक्ट कर दीजिए। सूरदास रंगभूमि का नायक है। प्रेमचंद को इसके सृजन की प्रेरणा गांव के एक अंधे भिखारी से मिली थी, ठीक है। और हिंदी उपन्यास साहित्य में सहसा हाथों में लकड़ी थामे हुए एक अंधे भिखारी को नायक के रूप में यह अप्रत्याशित प्रवेश अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। साहित्य की संपूर्ण परंपरा में नायक का कोई सांचा ऐसा नहीं जिसमें सूरदास खड़ा हो सके। ऐसी कोई परिभाषा नहीं जो उसके अगल बगल से भी गुजरती हो। उसका बाह्य व्यक्तित्व शास्त्रों में वर्णित नायक के तमाम लक्षणों को मुंह चिढ़ाता प्रतीत होता है। तो जो कैरेक्टर है सूरदास वो एक भिखारी, अंधा भिखारी है। अंधे भिखारी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये चरित्र बनाया था। और उसका जो कैरेक्टर है वो कहीं से भी एक नायक के रूप में या एक हीरो के रूप में फिट नहीं बैठता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा प्रयोग करते हुए प्रेमचंद ने उसको रंगभूमि उपन्यास का नायक बनाया, ठीक है। और नायक के अब तक के सारे प्रतिमान उसके पास आते आते कंगाल हो जाते हैं, फिर भी वह नायक है। वह न केवल रंगभूमि के केंद्र में है बल्कि प्रेमचंद के सिरजे किसी भी पुरुष पात्र से अधिक जीवंत है। लेकिन देखो इस कैरेक्टर को कैसे उन्होंने ढाला है कि एक अंधा भिखारी होते हुए भी उनका जो एक कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा जीवंत है, बहुत सजीव है। और एक अंधा भिखारी पूरी व्यवस्था से यानी पूरे सिस्टम से लड़ने का साहस रखता है, भटके हुओं को राह दिखाता है और धूर विरोधियों को भी अपना कायल बना लेता है। और जीवन के अंतिम क्षण तक अपने आदर्शों से बिना रत्ती भर डिगे हजारों लोगों का नेतृत्व करता है। नायक भला और क्या करता है। सूरदास न केवल नायक है बल्कि प्रेमचंद की तमाम रचनाओं में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी है। तो शारीरिक रूप से कोई विकलांग हो, शारीरिक रूप से कोई कमजोर हो, तो आप उसको नहीं कह सकते हैं कि वो एक कमजोर व्यक्ति है। अपनी जो शारीरिक कमजोरी है उसको भी एक तरह से ताकत बनाते हुए सूरदास उपन्यास में एक सशक्त चरित्र के रूप में खड़ा हुआ है। और वो इस तरह का कैरेक्टर है कि अपने विरोधियों को भी कायल बनाता है और भटके हुए को राह भी दिखाता है और नेतृत्व भी लेता है। नेतृत्व लेते हुए अपनी लड़ाई वो जारी रखता है। जब वो नेतृत्व लेता है तो उसके पीछे हजारों लोग भी आकर के खड़े होते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो कैरेक्टर है इसको आप उनकी प्रेमचंद की जितनी रचनाएं हैं उनमें से अगर किसी रचना में अगर आप प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि ढूंढते हैं तो आपको सूरदास मिल जाएगा, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आता है। सूरदास और जॉन सेवक का संघर्ष रंगभूमि के कथानक का केंद्र बिंदु है। जॉन सेवक जिसने जमीन ली और सूरदास जिसने जमीन गंवाई, ये जो कहानी है उसके दोनों
सेंट्रल कैरेक्टर है, केंद्र बिंदु है। ज्यों ज्यों ये संघर्ष गहराता है त्यों तो प्रेमचंद का आशावाद, उनका जीवन दर्शन और गांधी के आदर्शों में उनकी आस्था के तमाम अर्थ संदर्भ खुलते चले जाते हैं। और हम पाते हैं कि गोदान अगर प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है तो रंगभूमि उनके विचारों की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। खोरी को उन्होंने अपनी संवेदना से सिर्जा है तो सूरदास सिर से पैर तक संघर्ष में ढाला गया है। खोरी और सूरदास दोनों आजीवन संघर्ष करते हैं, लेकिन जहां होरी अपनी तमाम उदात्तता के बावजूद हमारे दया का पात्र बना रहता है, वहीं सूरदास अपनी तमाम असमर्थता के बावजूद हमसे दया जैसी कोई चीज नहीं मांगता, बल्कि हमेशा योद्धा की तरह हमारे सामने आता है और बतलाता है कि हार कर भी कैसे जीना, कैसे सीना ताने रहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुलना की है मैंने कि जो गोदान का जो कैरेक्टर है, चरित्र है होरी, और रंगभूमि का जो चरित्र है सूरदास, अगर आप इन दोनों की तुलना करें तो रंगभूमि का जो चरित्र है सूरदास, ये कहीं पे भी इसको आप दया का पात्र नहीं मान सकते, जबकि होरी को पढ़ते हुए आपको हर एक पृष्ठ में उसके ऊपर दया आती है और बड़ी लाचारी, बड़ी विवस्था, बड़ी बेचारगी के रूप में हम एक भारतीय किसान को देखते हैं होरी की छवि में। लेकिन सूरदास निरंतर संघर्ष, और जब वो संघर्ष करता है और संघर्ष करता है तो आप देखेंगे कि जो प्रेमचंद है वो अपने उपन्यास में उनका जो आशावाद है और गांधी का जो जीवन दर्शन है वो कहीं ना कहीं सूरदास के व्यक्तित्व के साथ खोल करके सामने आता है। कि गांधी का क्या था कि अंग्रेजों ने आई अपने ताकत और अपने सेना और ताकत के बल पर पूरे देश को कब्जा कर लिया, लेकिन एक गांधी ऐसा एक फकीर आया जिसके पास एक लाठी थी, ना ताकत थी, ना सेना थी, ना कुछ था, लेकिन उसने संघर्ष किया किसके बल पर, सत्य, अहिंसा, असहयोग, इस तरह के जो प्रयोग उन्होंने किए उसके आगे एक इतने बड़े साम्राज्य को भी घुटने टेकने पड़े और उसको वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो वही चीज कहीं ना कहीं सूरदास के चरित्र में भी आप ढूंढ सकते हैं कि जॉन सेवक बहुत शक्तिशाली है, पुलिस उसके साथ है, प्रशासन उसके साथ है, दूसरे सभी लोगों को उससे फायदा मिल रहा है इसलिए वो लोग उसके साथ हैं, सूरदास अकेले है और उसको पता है कि संघर्ष बड़ा कठिन है लेकिन उसके अंदर आत्मबल है और बिना किसी हिंसा के केवल अपने आत्मबल के बूते पर वो संघर्ष करता है। और यहाँ पे आप जो गांधी जी का दर्शन है वो इस उपन्यास में आपको इसकी झलक दिखाई देती है। असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, आप सभी जानते हैं, एक तरीके से माना जाता है, पूरा तो हम नहीं कह सकते कि ऐसे असफल हो गया, बट ये कहते हैं कि जो उससे आशाएं थी कि भाई असहयोग से जो है अंग्रेज भाग जाएंगे वो नहीं हो पाया, तो इससे जो असफल हुए तो प्रेमचंद इससे निराश नहीं हुए थे और उन्हें विश्वास था कि फिर संघर्ष होगा और फिर से हार की जीत होगी और हमें तब तक खिलाड़ी की तरह मैदान में डटे रहना होगा, अपनी कुशलता और दक्षता को बढ़ाते जाना होगा जब तक कि हमारी जीत नहीं होती। हम हारे तो क्या, वो लिखते हैं, ये उनके शब्द हैं कि हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने दो, हार हार कर तुम्ही से खेलना सीखेंगे और एक ना एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी। ठीक है, तो ये उपन्यास में उनके खुद के शब्द हैं प्रेमचंद के, जो सूरदास के मुंह से वो प्रेमचंद बोल रहे हैं। प्रेमचंद सूरदास का जितना सहज और जितना एकात्म दिखते हैं उतना उनके किसी दूसरे उपन्यास या किसी दूसरे पात्र के साथ हो नहीं थी। तो ये जो थीम है, एक तरीके से आप ये जो डायलॉग है इससे आप पूरे उपन्यास की थीम ले सकते हैं कि संघर्ष की जो कैसी कहानी है और कैसे वो संघर्ष कर रहा है और कैसा उसके अंदर का आत्मबल है। अगला, यही कारण है कि सूरदास आदर्श होने पर भी मानवीय लगता है। स्वयं प्रेमचंद के अनुसार वो साधु ना था, महात्मा ना था, देवता ना था, फरिश्ता ना था, एक शुद्र शक्तिहीन प्राणी था, चिंताओं और बाधाओं से घिरा था, इसमें गुण भी थे और अगुण भी, लेकिन परिस्थितियों के विरोधाभास से लड़कर सूरदास मानवता के जिस स्तर को छू पाया है वहां तक पहुंच पाना प्रेमचंद से ही संभव था। इधर असहयोग आंदोलन असफल होता है और उधर जॉन सेवक के आगे सूरदास की हार होती है, वह शहीद होता है, लेकिन एक अपंग, अंधे, दीन भिखारी की शहादत इतनी भव्य हो सकती है कि मन प्राणी अलौकिक अनुभूति से भर जाए, ये केवल प्रेमचंद ही कर सकते थे। जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे और उपन्यास की जो अंतिम परिणति पे आप पहुंचेंगे
तो मैं कहता हूँ कि मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं के कारण आप बिल्कुल भाव विभलित हो जाएंगे कि एक ऐसा चरित्र जो अपनी तमाम असक्तता के बावजूद अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ता है और हार जाता है, असफल होता है, क्योंकि उसके सामने जो व्यक्ति है बहुत शक्तिशाली है और बाद में मारा भी जाता है, शहीद होता है, लेकिन जब वो शहीद होता है तो उसकी शहादत एक अपंग अंधे धीन भिखारी की शहादत इतनी भव्य हो सकती है कि वो पाठक को के मन प्राण को अलौकिक अनुभूति से भर देती है। कि आप खुद पढ़ेंगे उपन्यास को तो आप इसकी अनुभूति कर पाएंगे। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात करते हैं। इस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की पूर्ण उपलब्धि अगर कहीं होती है तो रंगभूमि में। रंगभूमि से पूर्व सेवा सदन, वरदान और प्रेमाश्रम में आदर्श का पक्ष प्रबल है, तो उसके बाद कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्म भूमि और गोदान में क्रमशः यथार्थ आता है। अपने उपन्यास गोदान या कहानी कफन और कोस की रात में प्रेमचंद जिस चरम को पाते हैं उसकी उपलब्धि रंगभूमि से गुजरे बिना संभव न थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि गोदान प्रेमचंद की परिपक्व कृति है, लेकिन उनकी रचना यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रंगभूमि है। प्रेमचंद को होरी की राह में अंधे सूरदास ने दिखाई थी, होरी की राह अंधे सूरदास ने दिखाई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ आपको। देखिए, मैंने जो पहले बताया कि लेखक जब लिखता है तो अगर वो पूरी तरह से आदर्श की ओर उसका साहित्य उन्मुख होता है तो हम उसे आदर्शोन्मुखी साहित्य कहते हैं, और पूरा अगर नग्न यथार्थ का चित्रण करता है तो वो क्या होता है, वो बीच में नहीं आता है, वो जो देखता है, जो नग्न यथार्थ समाज में वो देखता है उसी को वो चित्रित कर देता है। तो शुरू के उनके जो उपन्यास हैं उसमें पहले पहल यथार्थ बहुत हावी है और बाद में जो है उस पर आदर्शवाद जो है उसकी झलक दिखाई देती है, लेकिन बाद में जो परिकल्पना की गई आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी कि यथार्थ तो है, सच्चाई तो है, जो देख रहे हैं वो समाज की सच्चाई तो है, लेकिन वो आदर्शोन्मुखी है, यानी अंततः लेखक उसको इस मोड़ पे लेके उसका समापन करता है कि अंत में एक आदर्श स्थापित होता है, पाठकों के समक्ष एक आदर्श स्थापित होता है, और यही आदर्श जो है उसको प्रेरणा भी देता है पाठक को। ठीक है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद आम जनमानस की कहानी के लिए विख्यात है और उनका यह उपन्यास रंगभूमि इस बात का साक्षात प्रमाण है। नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष का तांडव, सत्य, निष्ठा और अहिंसा के प्रति आग्रह, ग्रामीण जीवन में उपस्थित बुराइयों जैसे मद्यपान, स्त्री दुर्दशा, जातिवाद, बाहुबलवाद का भयावह चित्र, ये सारी चीजें आपको उपन्यास में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, परतंत्र भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं के बीच राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण यह उपन्यास लेखक के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बहुत ऊंचा उठाता है। लेखक की नवीन आवश्यकताओं, आशाओं की पूर्ति के लिए संकीर्णता और वासनाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से देश सेवा की आवश्यकता उन दिनों शिद्दत से महसूस की जा रही थी। रंगभूमि की पूरी कथा इन्हीं भावनाओं और विचारों में विचरती है। कथा के मुख्य नायक सूरदास का पूरा जीवन क्रम, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि लगती है। तो सूरदास की मृत्यु भी समाज को एक नई संगठित शक्ति, एक संगठन शक्ति दे गई है। तो ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रेमचंद का बड़ा ही सशक्त उपन्यास है रंगभूमि, और उसमें उन्होंने उस समय के जो नकारात्मक चीजें हैं, ठीक है, उसका भी बड़ा ही सफल चित्रण किया है, जैसे स्त्री की जो दुर्दशा है, जैसे जातिवाद है, जैसे छुआछूत है, जैसे शराब पीना, मद्यपान है, ठीक है, इसका चित्रण तो उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ किया है, और साथ में जो सामाजिक परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, जो धार्मिक परिस्थिति है एक गुलाम देश की, वो भी हम सबके सामने उभर के सामने आती है, और राष्ट्रीयता की भावना उसकी लहर भी बार बार इस उपन्यास में दिखाई देती है। ठीक है,
ये सारी चीजों का एक गुंफन है, इन सारी चीजों का एक मिश्रण है रंगभूमि, और ये सारी चीजों को कथानक जो है साथ में लेकर के आगे चलता है। और एक एक चरित्र केंद्रित उपन्यास है और मुख्य चरित्र में सूरदास ही है। और सूरदास का जो पूरा जीवन क्रम है, जैसा मैंने पहले बताया, जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति थी वो बहुत ज्यादा गांधी जी से प्रभावित थी, तो ऐसा लगता है कि सूरदास का पूरा चरित्र कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की छवि है। और सूरदास की जो मृत्यु है, जैसे गांधी जी जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु भी बहुत से लोगों को प्रेरित कर जाती है कि धार्मिक कट्टरता और अहिंसा इसके खिलाफ लड़ते हुए एक व्यक्ति अंततः देश को आजादी दिला करके खुद शहीद हो जाता है। तो उनकी मृत्यु भी प्रेरणादायक है, उनका जीवन भी प्रेरणादायक है और उनकी मृत्यु भी प्रेरणादायक है। तो वही चीज यहाँ पे सूरदास में भी दिखाई देती। और अंततः मैं इसको कंक्लूड करूंगा इस स्लाइड के माध्यम से कि कथा सम्राट प्रेमचंद का पूरा साहित्य भारत के आम जनमानस की गाथा है। देखिए, आम जनमानस, शब्दों पर ध्यान दीजिए, विषय मानवीय भावना और समय के अनंत विस्तार तक जाती इनकी रचनाएं इतिहास की सीमाओं को तोड़ती हैं और कालजयी कृतियों में गिनी जाती हैं। रंगभूमि एक ऐसा ही उपन्यास है, एक ऐसी कृति है, नौकरशाही और तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, सत्य निष्ठा अहिंसा के प्रति आग्रह, ग्रामीण जीवन में उपस्थित मद्यपान तथा स्त्री दुर्दशा का भय पर चित्र यहाँ पे उपस्थित है। परतंत्र भारत की सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और आर्थिक समस्याओं के बीच राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण यह उपन्यास लेखक के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बहुत ऊंचा उठाता है। देश की नवीन आवश्यकताओं आशाओं की पूर्ति के लिए संकीर्णता और वासनाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से देश सेवा की आवश्यकता उन दिनों शिद्दत से महसूस की जा रही थी। रंगभूमि की पूरी कथा इन्हीं भावनाओं और विचारों में विचरती है, जहां पर अपना स्वार्थ और अपनी संकीर्णता और अपनी वासनाओं से ऊपर उठ करके देश के लिए कुछ करना, ताकि देश जो है इस गुलामी की जंजीर से और सालों साल से जो देश का जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो शोषित है, जो प्रताड़ित है, वो इन सब चीजों से मुक्ति पा सके। सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी, उसके लिए कोई सामने आए उसकी आवश्यकता बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही। रंगभूमि की पूरी कथा इन्हीं भावनाओं में विचरती है और सूरदास का पूरा जीवन क्रम और यहाँ तक उनकी मृत्यु भी महात्मा गांधी की छवि लगती है। सूरदास की मृत्यु भी समाज में एक नई संगठन शक्ति दे गई है। विविध स्वभाव वर्ग जाति पेशा एवं आय वित्त के लोग अपने अपने जीवन की क्रीड़ा इस रंगभूमि में की जा रही है। नाम देखिए, रंगभूमि का मतलब क्या है, रंगमंच, जहाँ पे सब कैरेक्टर, सब जो चरित्र हैं अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो उच्च वर्ग से लेके निम्न वर्ग से लेके जाति पैसा आय वित्त के अलग अलग जो लोग हैं वो जीवन के जो जो खेलने की जीवन की जो क्रीड़ा भूमि है, जो रंग भूमि है, वहां पे अपना अपना चरित्र का निर्वाह कर रहे हैं। और लेखक की सहानुभूति सूरदास के पक्ष में बनती जा रही है। पूरी कथा गांधी दर्शन, निष्काम कर्म और सत्य के अवलंबन को रेखांकित करती है। तो यह संग्रहणीय पुस्तक कई अर्थों में भारतीय साहित्य की धरोहर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही प्रेरित करने वाला उपन्यास है रंगभूमि। आप इसे पढ़िए और आप इसे अगर पढ़ना चाहें तो hindisamay.com के ऊपर ये पूरा उपन्यास उपलब्ध है। ये हिंदी समय का मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। और अगर मोबाइल पे पढ़ना चाहें तो प्रतिलिपि का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और प्रतिलिपि के मोबाइल ऐप पे आप इसको रंगभूमि उपन्यास को पढ़ सकते हैं। तो मैं इसके साथ ये व्याख्यान यहाँ समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि रंगभूमि उपन्यास की एक छवि सभी छात्रों के दिलो दिमाग में निर्मित हो गई होगी और आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जरूर आपको ये व्याख्या उसको समझने में और उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, उपन्यास के पीछे की जो पृष्ठभूमि है और उसका जो चरित्र है, सूरदास के चरित्र और उसके चरित्र के पीछे जो गांधी जी की छवि, इन सब चीजों का जो निर्माण करने का जो प्रयास प्रेमचंद ने किया है वो जरूर आपके दिमाग में स्पष्ट हुई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ।
और इसी के साथ मैं ये व्याख्यान समाप्त करता हूँ। और अभिषेक जी से अनुरोध है कि वे छात्रों से पूछें कि अगर कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्नों को लें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि उनके जो भी प्रश्न है वो चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके या अपने माइक को अनम्यूट करके सीधे तौर पर बोल कर तो भी अपने प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके प्रश्न आदर आमंत्रित है। आप अपने प्रश्न जो कुछ भी हो इस विषय को लेकर आपके जो प्रश्न हो, जो बंद हो, जो कुछ भी हो, आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपको स्वागत है। हेलो जी आशीष जी, कहिए अपना प्रश्न। सर, इस रंगभूमि उपन्यास में समस्या के अलावा और समस्या का बना हुआ है? हाँ, असीत पाणी, ठीक है। ये देखिए, इसमें जो बेसिक समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, वो है पूंजीवाद सामंतवाद, ठीक है। जो कि जो कहानी आपके साथ चल रही थी, जो मुख्य कथा है, उसके साथ साथ एक प्रेम कहानी भी है जो मैंने बताई कि सोफिया जो ईसाई लड़की है और विनय जो हिंदू लड़का है, उसके साथ उनके साथ जो प्रेम दिखाया है और उस प्रेम कहानी के माध्यम से उन्होंने जो जाति की समस्या है, जाति की समस्या कब उभर के सामने आती है? जब अंतरजातीय विवाह करने की स्थिति आती है दो अलग अलग जातियों में, ठीक है। तो इसके इस कहानी के साथ साथ उन्होंने ये अंतरजातीय विवाह, छुआछूत, जाति की समस्याएं, और साथ में मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था यहाँ पे कि शराब, ठीक है, किस प्रकार से शराब जो है आज से 100 साल पहले भी समाज को भ्रष्ट कर रही थी, आज भी समाज को भ्रष्ट कर रही है, और उसकी जो बुराइयां हैं, इसको, स्त्री की दुर्दशा को, ठीक है, इसमें जो स्त्री चरित्र हैं उनके माध्यम से स्त्री की जो दुर्दशा है उसको, और जो ग्रामीण जीवन की और भी कुछ समस्याएं हैं उनको भी लेखक प्रेमचंद ने रेखांकित करने का प्रयास इसके माध्यम से किया है। लेकिन जो मूल समस्या है वो किसानों की, पूंजीवाद की, सामंतवाद की, और इस प्रकार से जोर जबरदस्ती और बाहुबल से गरीबों की और निर्बलों की जमीन को हड़प लेना और वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना और पूंजी कमाना, पैसा कमाना, और जो आय का वितरण है, यानी जो पूंजी का वितरण है, उसको एक जगह केंद्रित कर देना, यानी अपने पास ताकत के रूप में पूंजी को, जो मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है ना, उसको मूल कहानी वो है। और उसके साथ साथ स्त्री की दुर्दशा, मद्यपान, जातिवाद, ये सब चीजें भी जो है भूमि में दर्शाई गई। जी आशीष जी, धन्यवाद। आशीष जी के अलावा किसी को कोई प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्न लगातार क्रमबद्ध तरीके से रख सकता है। अगर पूछने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो या अपने माइक को अनम्यूट करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से भी अपने प्रश्न टाइप करके भी पूछ सकते हैं। सर, एक पूछ रहे हैं राष्ट्रीय समस्या के बारे में उपन्यास में। असित जी पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय समस्या के बारे में उपन्यास में हुआ है या राष्ट्रीय समस्या क्या है, समझ नहीं पा रहा हूँ राष्ट्रीय उपन्यास के बारे में। असित जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया वो क्या पूछना चाह रहा है। हेलो, हाँ पूछिए। हेलो सर जी, राष्ट्रीय समस्या का वर्णन इस उपन्यास में हुआ है, राष्ट्रीय समस्या के प्रेमचंद ने जो राष्ट्रीय समस्या का वर्णन स्वतंत्रता आंदोलन के दृष्टि से क्या है, तो राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय समस्या क्या है इसका मतलब। ठीक, राष्ट्र एक राष्ट्र के रूप में हमेशा उसके सामने समस्याएं रहती हैं, और एक समस्या नहीं होती, अनेक समस्याएं होती है। और मैंने बहुत ज्यादा समय लिया आप लोगों का इस उपन्यास की पृष्ठभूमि बताने में,
है ना, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मैंने इसलिए बताया कि उस समय की जो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि थी और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी। सामाजिक छोड़ दीजिए, आप राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्रीय और राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर हम लें, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल सिनारियो, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो जिस दौर में ये उपन्यास लिखा गया उस समय देश की राष्ट्रीय परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति बहुत ज्यादा उथल पुथल भरी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें अनरेस्ट था, ठीक है, जो धीरे धीरे बाद में आजादी मिली और चीजें बहुत सेटल हुई ये हुआ, लेकिन ये जो दौर था उस समय एक तो हमको आजादी मिली नहीं थी, ठीक है, और आजादी नहीं मिलने के कारण पूरे देश में लगातार आंदोलन चल रहे थे, और जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कहीं ना कहीं विफल हो गया, इससे जनमानस में एक बहुत बड़ी निराशा घर कर गई। द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा माहौल बनाया गया था और ऐसा एक सोचा गया था कि देश को हो सकता है आजादी मिल जाए, आजादी नहीं भी मिलेगी तो ब्रिटिश जो है यहाँ पे बहुत सारी ऑटोनोमी इंडियंस लोग को दे देंगे, ठीक है, यानी बहुत सारे चीजों का अधिकार भारतीयों को मिल जाएगा, जो कि मिला नहीं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आई जिससे कि नकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीजें नहीं थी, ये सब नकारात्मक चीजें घटित हुई और उसका बहुत बड़ा असर जो है भारतीय जनमानस के ऊपर पड़ा था, और वो चीजें यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट हुई हैं कहीं पे सीधे तौर पे या कहीं पे सांकेतिक तौर। जैसे मैंने बताया ना कि जब वो संघर्ष करता है सूरदास, तो उसके संघर्ष में प्रेमचंद ने कहीं ना कहीं गांधी जी के संघर्ष को चित्रित करने का प्रयास किया। तो राष्ट्रीय समस्या तो खैर इसमें है ही है, जो तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया। मानिका पंडा पूछ रही हैं, सर क्या विनय सिंह भी उपन्यास का नायकत्व प्रतिपादन करते हैं, यानी सोफिया और विनय के प्रेमचंद को प्रेमचंद जी ने क्यों उभारा, ठीक है, लेकिन ये विनय सिंह जो है उसको सूरदास के बराबर बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। एक उपन्यास में तो बहुत सारे चरित्र होते हैं लेकिन एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है, एक मुख्य चरित्र होता है जो सूरदास ही है, ठीक है। विनय सिंह को इसलिए रखा है, उपन्यास में क्यों रखा है और उपन्यास में रखा ही नहीं है, बल्कि वहां पे ये दिखाया है कि विनय सिंह हिंदू है, सोफिया ईसाई है, और दोनों की जो प्रेम कहानी है वो आप खुद पढ़िए तो आपको मालूम चलेगा कि उसके माध्यम से ये चित्रित किया है कि क्या देश में अंतर जातीय विवाह या अंतर धार्मिक विवाह, दो अलग अलग धर्मों के बीच या दो अलग अलग जातियों के बीच विवाह हो सकता है। तो पूरा प्रेमचंद को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है कि लिखते थे किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, लेकिन ब्रिटेन में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, वहां के लोगों की सामाजिक सोच क्या है, वो सारी चीजें उनको पता थी। वो ये सोचते थे कि क्या हमारे देश में कभी कभी ना कभी क्या हमारे देश में इस तरह की आंतर्जातिक विवाह हो सकता है, अंतरधार्मिक विवाह हो सकता है, अगर होगा तो क्या वो सफल हो जाएगा। तो इन सब चीजों को चित्रित करने के लिए ये दोनों कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किए हैं। विनय सिंह का कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है, एक अच्छे चरित्र के रूप में। सोफिया का भी चरित्र ठीक है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें नकारात्मकता की झलक भी दिखाई देती है। तो मूल उद्देश्य इसको दिखाने के पीछे यही रहा है प्रेमचंद का, ये जो समस्या है मैंने बताई आपको, लेकिन उसे नायकत्व तो प्रतिपा नहीं दिया जा सकता है। नायक नायक जो है मुख्य चरित्र उपन्यास में एक ही है, वो सूरदास। जी सर, बहुत सही कहा सर आपने। आपकी बातों में सर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे अभी आप जवाब दे रहे थे मोनिका जी के बातों में, वो पूछ रही थी कि क्या वो नायकत्व तो है, तो एक दो चीज छोटी छोटी चीज अगर आपकी अनुमति है तो मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी की बात में। सर जब हम देखते हैं कि उपन्यास बहुत सारे लिखे गए आजादी से पहले लेकिन आजादी के बाद, लेकिन प्रेमचंद को जब देखते हैं तो कहना सही होगा या नहीं होगा, प्रेमचंद एक तरह के ब्रांड हमें दिखते हैं जिनके इर्द गिर्द हम काल को विभाजित करते हैं उनके नाम से,
तो वो ब्रांड या प्रेमचंद उत्तर काल हो गया, प्रेमचंद काल हो गया, प्रेमचंद पूर्व काल, वो प्रेमचंद के उपन्यासों को लिख देने से नहीं बना, उनके उपन्यासिक तत्वों को देखने से पता चलता है कि ठीक है उनकी जितनी भी उपन्यास थी किसी न किसी व्यवस्था पे थी, लेकिन एक चीज आपने शुरू में कहा ना व्यंगात्मक, वो हर उपन्यास में वो समाज के और भी जो वर्ग तहत अलग अलग वर्ग, जब हम देखते हैं गोदान में देखते हैं वहाँ पे वो हम देखते हैं कि पंडितों द्वारा किस तरह कहा जाता है कि तुम गाय दान करोगे तो ओरी सीधा स्वर्ग पहुंचेगा, उन चित्रों यहाँ पे जब हम देखते हैं कि प्रेमी व्यवस्था समाज के जो छोटे छोटे अंग थे जो समाज में बिखरे हुए थे जो कुप्रथाएं थी, एक तो उनका आधार था उपन्यास का आधार एक प्रमुख था, लेकिन साथ में जितनी कुप्रथाएं या जो भी थी उसे भी दर्शाने का काम किया, तभी उनका उपन्यास इतना बड़ा और इतना महान उपन्यास बन पाया कि प्रेमचंद एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हो सके। बिल्कुल बिल्कुल कोई संदेह नहीं है भाई, आप प्रेमचंद को जब आप पढ़ते हैं तो आप ये सोच के मत पढ़िए कि आप किसी हिंदी के उपन्यासकार को पढ़ रहे हैं, आप जब प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो आप ये सोच करके पढ़िए कि आप विश्व के एक बहुत बड़े साहित्यकार को पढ़ रहे हैं, जो मैक्सिम गोर्की से लेके उस टॉलस्टॉय मैक्सिम गोर्की और उस स्तर के जो साहित्यकार हैं उस लेवल के वो साहित्यकार हैं प्रेमचंद। और जैसा आपने बताया अभिषेक जी कि प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग, ठीक है ये तीनों युग उनके नाम पे रखे गए, यानी चीजें या तो प्रेमचंद से पहले शुरू होती हैं, प्रेमचंद के दौर में होती हैं और फिर प्रेमचंद के बाद होती हैं, तो एक मील का पत्थर है उनकी लेखनी। और मैं तो ये कहूँगा कि आप पढ़िए, हो सकता है तो पहले शुरुआत कहानियों से कीजिए, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़िए, एज ए एम ए के विद्यार्थी ये मैं आपको सलाह दूंगा कि मानसरोवर पूरा सेट मिल जाता है, आजकल तो सब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो पहले उनकी कहानियों को पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि प्रेमचंद का जो साहित्य है उसमें जो एक हिंदुस्तानी चरित्र, भारतीय चरित्र, खास करके जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ का जो एक आम आदमी है, मतलब एक आदमी की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे खोमचे वाला हो, ठीक है, चाहे एक साहूकार हो, या फिर आप देख लीजिए बूढ़ी काकी जैसी एक कहानी है, मतलब आज के आज आप जाकर के बूढ़ी काकी ही पढ़िए, तो बूढ़ी काकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक ब्राह्मणी स्त्री जो कि जिसको अंत में जूठी पत्तल चाटनी पड़ती है, और वहां पे एक ऐसा दृश्य उन्होंने उपस्थित किया है कि हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आपकी आंखों से भी आंसू आ जाए कि बूढ़ी काकी पढ़ के, तो मतलब इतना सजीव और इतना एक्यूरेट और इतना ज्यादा मानवीय संवेदनाओं और मानवीय मनोविज्ञान की जो पकड़ थी प्रेमचंद की, वो शायद ही कभी कभी दूसरे किसी में वो झलक दिखाई देगी, इसीलिए जो है आप उसको पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे कि प्रेमचंद क्यों महान। जी सर निश्चित तौर पर सर, लगातार प्रश्न आ रहे हैं, मैं प्रश्न आपसे समझ सकता हूँ। जागरिका जी ने एक प्रश्न पूछा था पहले, कितना लंबा है मैं उसे बताऊँ, पूछ रही है कि प्रेमचंद की जो ज्यादातर रचना में कोई ना कोई समस्या देखने को मिलती है, वो विभिन्न समस्या है, नारी की समस्या, जातिगत समस्या, पूंजीवाद व्यवस्था, वो उनको मानना है समाज में आज भी समाप्त है, तो उनका मुख्य प्रश्न यह है कि प्रेमचंद उस समय का और आज की स्थिति में क्या अंतर है। प्रश्न है कि उस दिन की शोषण और आज के शोषण में क्या अंतर है, ठीक है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सागरिका जी, कि जब हम किसी किसी साहित्यकार को पढ़ते हैं और किसी ऐसे साहित्यकार को पढ़ते हैं जिसने 100 साल 125 साल पहले अपने साहित्य की सृजना की हो, तो जब हम आज उसे पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज के दौर में उसके साहित्य की क्या प्रासंगिकता है, ठीक है, प्रासंगिकता क्या है, मतलब उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां, उस समय की समस्याएं और आज की समस्याएं, उसमें तो भारी अंतर आ गया है, जीवन बदल गया, लोग बदल गए, लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदल गई, तो क्या उनका उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो चित्रित किया है, उसके आज के दौर में प्रासंगिकता है या फिर उसमें अंतर है। तो देखिए, अगर आप, मैंने जो बताया कि 1920 से ये 2020 आ गया, यानी 100 साल, बहुत बड़ा समय, और 100 साल में भारत में जितने परिवर्तन हुए हैं और भारत जितना बदला है वो शायद दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं बदला हो, ठीक है, और ये परिवर्तन अलग अलग स्तरों पे हुए हैं, ठीक है,
किन किन स्तरों पे, आप सामाजिक स्तर पे देख लीजिए, क्या जमींदारी व्यवस्था अब है, जमींदारी व्यवस्था अब नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो पूरी जमींदारी व्यवस्था को इंदिरा कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दिया था, जमींदार उच्छेदन हो गया, यानी कोई वो समस्या ही खत्म हो गई। ठीक है, अब जो सेठ साहूकार थे जो गरीबों का शोषण करते थे, जो आपने यहाँ लिखा है कि जो शोषण की समस्या थी, तो शोषण का रूप बदल गया हुआ, लेकिन अब उस तरीके से शोषण नहीं हो सकता कि जैसे कोई बर्तन रख दिया गिरवी के तौर पे, या अपनी जमीन रख दी गिरवी के तौर पे और बाद में वो पैसा चुका नहीं पाया जमींदार ने या साहूकार ने, वो जमीन या उसका सोना या गहना वो हड़प लिया। ठीक है, अब वो चीज तो नहीं रही, क्योंकि छोटे छोटे बैंक आ गए, अलग अलग जगह पे लोगों को कर्ज मिल रहा है, सब कुछ लिखा पढ़ी हो गया, ऑनलाइन हो गई चीजें, तो वो तरीका। लेकिन शोषण तो अभी भी है, सही है कहना कि गरीबी नहीं है, सामाजिक ये नहीं है। अब पहले क्या था, आप किसी को अछूत को गांव में उसका कुआं अलग होता था, उसकी छोटी जाति के व्यक्ति को एक सामाजिक निचले नजर से देखा जाता, शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात है, जैसा अभी सोफिया और विनय का उन्होंने लिख दिया है, चरित्र बनाया है, लेकिन शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात है, उसको उनका टोला अलग होता था, उनका रहने का स्थान अलग होता था, उनको बर्तन छूने नहीं देते थे वो, कई बार तो ये यहाँ तक परिस्थिति थी कि अगर जो ऊंची जाति के लोग थे वो अगर किसी निचली जाति के लोग को देख लें तो फिर वो जाकर के नहाना धोना और स्नान करते थे कि भाई देख लिया तो मैं अस्पृश्य हो गया, गंदा हो गया। तो अब तो चीजें ऐसी नहीं है, अभी अगर आप किसी छोटी जाति को अगर उसका कोई अपमानजनक शब्द से सूचित कर देंगे तो आप जेल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए व्यवस्था है। तो अब तो चीजें बहुत बदल गई हैं, लेकिन ये है कि अगर आप प्रासंगिकता देखें तो आप ये देख सकते हैं कि क्या आज का जो एक पूंजीपति है जिसके पास अरबों डॉलर है, क्या उसकी परिस्थिति और एक आज लॉकडाउन में जो एक गरीब मजदूर ट्रेन के नीचे कट के मर रहा है, या जो किसान जो है उसको समस्या आ रही है, या कोई गरीब लोअर मिडिल क्लास का जो आदमी जो है 2 महीने से अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा है, तो उसमें क्या आपको आर्थिक विषमता दिखाई नहीं दे रही? विषमता है, अभी भी आर्थिक विषमता है, अभी भी ये चीजें हैं, जाति व्यवस्था इतनी कमजोर तो हुई है, शिथिल तो हुई है, लेकिन क्या अभी भी अगर आप सोच लीजिए, आप ओडिया जाति में ही दूसरे किसी ओडिया में भी दूसरे किसी जाति के लड़के से शादी करना चाहें या करनी चाहें तो क्या आपको अनुमति मिल जाएगी? इतना आसान नहीं है, अभी भी नहीं है। तो जाति व्यवस्था भी अभी इतनी शिथिल नहीं हुई है, तो प्रासंगिकता तो हमेशा बनी हुई है, और निराला जैसे कवि और प्रेमचंद जैसे साहित्यकार की प्रासंगिकता तो वो 1-2 साल के लेखक नहीं है, बल्कि वो हजारों साल तक उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। हाँ, परिस्थितियां बदल गई हैं, चीजें खराब से अच्छे की ओर हुई हैं, परिस्थितियां अब इतनी बुरी नहीं रही हैं, बुराई से हम लोग अच्छाई की ओर जा रहे हैं, प्रगतिशील हो रहे हैं, सोच हमारी ब्रॉड हो रही है, संकीर्ण नहीं रही है, अब हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, स्त्रियों की दुर्दशा अब ऐसी नहीं रही है, स्त्रियां अब घूंघट में नहीं है, स्त्रियां अब घर से बाहर जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो 100 साल पहले की परिस्थितियां तो अब नहीं है, लेकिन प्रासंगिकता इसलिए जरूर है कि अभी भी देश या समाज पूरी तरीके से इन सब चीजों से मुक्त नहीं हुआ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद और एक प्रश्न सर, हाँ असित जी पूछ रहे थे कि होरी और सूरदास, एक सेकंड सर, होरी या सूरदास, ये दो चरित्र का निर्माण प्रेमचंद ने किस तरह से वर्णित किया है? जी आपने पढ़ लिया क्या गोदान और अपना सूरदास का चरित्र? असित जी हेलो, असित है लाइन पे? शायद हाँ है। ठीक है, देखिए चरित्र का निर्माण आप जो कह रहे हैं ना कि किस तरह से वर्णित किया है, मैंने दोनों एक स्लाइड में दोनों की तुलना की थी। ठीक है, क्योंकि आप अगर प्रेमचंद के सारे उपन्यासों को उठाएंगे और टॉप 5 लेंगे, सबसे अच्छे श्रेष्ठ 5 उपन्यास लेंगे, तो गोदान तो नो डाउट पहले स्थान पे आएगा,
दूसरे तीसरे स्थान पर आपका रंगभूमि आएगा, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दो बड़े उपन्यास हैं और दोनों उपन्यास चरित्र केंद्रित हैं। जहां गोदान में होरी सेंट्रल कैरेक्टर है, वहीं यहां रंगभूमि में सूरदास है। और दोनों का अगर हम तुलनात्मक ये करें तो मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद सॉरी गोदान का जो ये है मुख्य चरित्र होरी, उसकी उसको एक बड़े यथार्थ परक ढंग से उन्होंने दिखाया है कि उस समय जो भारतीय किसान था उसकी स्थिति कैसी थी और वो कैसे मतलब कदम कदम पे उसको कंप्रोमाइज करना होता था और वो सरेंडर कर देता था, क्योंकि ना तो उसके पास ताकत था, ना धन था, ना ज्ञान था, तो जिस जैसे जो चाहा वैसे वो उसको शोषण करता चला जाता है ना। और जैसा जो बाद में जो नामकरण हुआ है उपन्यास का गोदान, कि भाई अब तुमको तो जो है गाय का दान करना पड़ेगा, ठीक है, जो जो ब्राह्मणवादी सोच है कि भाई उन्होंने बता दिया कि भाई अपने लाभ के लिए गोदान आपको करना पड़ेगा, और दान करने के लिए आप अगर गाय का दान कर देगा तो फिर वो उसके पास और बचता क्या है, दो जोड़ एक जोड़ी बैल के अलावा, ठीक है, जो कि उस उपन्यास का क्लाइमैक्स है ना, और उसको भी वो करने के लिए वो तैयार हो जाता है। जैसे पूस की रात में क्या होता है, जब ठंड में इतनी ज्यादा ठंड उसको लगती है, इतनी ज्यादा ठंड से वो मरता है, तो कहता है कि भाई उसके पूरा का पूरा खेत जो है नील गए उजाड़ गए, लेकिन वो पड़ा रहता है। पड़ा रहता है क्यों? एक लाचारगी, एक बेचारगी और एक असहायता, उसकी स्थिति इस कदर बढ़ जाती है कि वो कहता है कि अब तो चाहे खेत किसान जानवर उजाड़ के चले जाए, लेकिन मैं तो कम से कम यहाँ ओढ़ के सो रहा हूं, वो मेरे लिए ठीक है ना। तो ये जो लाचारगी और बेचारगी है वो भी आपको होरी में दिखाई देगी। लेकिन जब आप इसकी सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास का चरित्र ऐसा नहीं है, शारीरिक रूप से वो विकलांग है, अंधा है, बात अलग है, लेकिन उसके चरित्र में हर जगह आपको एक संघर्षशील व्यक्ति जो कि सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, एक ऐसा योद्धा जो जानता है कि अंततः मेरी हार तय है, लेकिन फिर भी वो लड़ता है, अंत तक लड़ता है और अंत में वो शहीद भी होता है। लेकिन कहीं पे भी उसके चरित्र में आपको लाचारगी, बेचारगी, असहायता, दुर्बलता, कमजोरी आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि अपने आदर्शों के साथ वो निरंतर संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, जैसा कि गांधी जी ने किया, ठीक है। तो ये दो बेसिकली दो चरित्रों के अंतर, ये अंतर है। दोनों उपन्यास को आप पढ़िए और तो आपको और ज्यादा स्पष्ट तौर पे ये समझ में आएगा दोनों चरित्रों का अंतर। जी सर, धन्यवाद सर। अभी तो विद्यार्थियों कुछ प्रश्न नहीं है सर। मैं अपनी एक मतलब बंद के तौर पर या अपनी जागरूकता के तौर पर एक जस्ट नहीं प्रश्न क्यों नहीं जस्ट आपकी राय लेना चाहूंगा। जब हम देखते हैं सर इस उपन्यास को, उपन्यास में एक जगह हमको दिखाई देते हैं, आप भी कहते हैं हम लोग पढ़ते भी कि गांधीवादी हमें दिखाई देता है सूरदास के रूप में, एक गांधीवादी धारा या विचारधारा हमें देखने को मिलती है। तो क्या हम इस गांधीवादी विचारधारा को सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि सूरदास ने यहाँ पे अहिंसा नहीं की, सूरदास निरंतर लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, उसका मतलब हिंसा का पक्ष नहीं लिया, इवन उसकी मृत्यु जब हो जाती है, जब वो समाज में रहता है तो समाज के लोग उससे उसके पक्ष में ज्यादा खड़े नहीं होते हैं या उसका साथ नहीं देते हैं, पूरी की पूरी सत्ता जो रहती है सत्ता पक्ष वो पैसे के बल पर झुक जाती है, एक औद्योगिकी लगाएगा, सिगरेट कारखाने आएगा, पैसा आएगा। तो हम अहिंसा का पक्ष सिर्फ और सिर्फ यही पे देखते हैं, जहाँ अहिंसा है उतना जो गांधीवादी विचारधारा है कि इसके इतर भी हमें देखने को मिलता है। देखिए अभी मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि गांधीवादी विचारधारा जो है वो लाचारगी और विचारगी का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन हमारे पास उस समय ऑप्शन भी क्या था। अगर हम एक बार गांधीवादी विचारधारा को देखें तो जो जो गांधी दर्शन है बहुत ही विस्तृत दर्शन है, उसको और समझना बहुत जरूरी है कि गांधीवादी विचार या गांधीवादी दर्शन क्या है, ठीक है, जो कि बेसिक सबसे बड़ा प्रयोग उन्होंने क्या किया, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ करके उन्होंने जो किताब लिखी है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य, सत्य यानी सत्य क्या है, जो जो हो रहा है या जो घटित हो रहा है, नहीं जो होना चाहिए। यानी आपको हमारे देश पे शासन करने का अधिकार भगवान ने दिया नहीं है, हमारा देश है
यानी हम उस पर शासन करेंगे, ये सत्य है, ठीक है, और मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ, चाहे मेरे पास सेना नहीं है, चाहे मेरे पास बल नहीं है, चाहे मैं आपसे संघर्ष नहीं, लेकिन मेरी सच्चाई क्या है कि आपको यहां से जाना चाहिए क्योंकि ये देश हमारा है, इस पे हम शासन करें। तो एक तो सत्य, दूसरा हिंसा नहीं करना है, क्योंकि संघर्ष नहीं करना है तो उसके पीछे आप कह सकते कि हमारी मजबूरी भी थी कि हमारे पास जो है इतना बल नहीं था, ताकत नहीं था कि हम उस समय ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते, तो ठीक है हमने कह दिया कि हम अहिंसा का रास्ता लेंगे। और तीसरा असहयोग, असहयोग यानी हाँ हम ये करेंगे कि बिना हिंसा की आपका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो सत्य, अहिंसा और असहयोग, ये तीन जो है उनके दर्शन का तीन मूल तत्व है गांधी जी के, ठीक है। और वही तीन चीजें अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको भी यही मिलेगा कि भाई पता है कि जमीन लेने वाला बहुत शक्तिशाली है, लड़ नहीं सकते तो अहिंसा का रास्ता लेता है, ठीक है। और सत्य, सत्य के साथ वो खड़ा हुआ है, सत्य ये कहता है कि भाई मेरी जमीन है और मैं देना नहीं चाहता, तो आपको किसने अधिकार दिया उसको छीनने, ठीक है, उससे हो सकता है अगर तुमको फायदा होता, किसको फायदा होता हो, होता होगा, लेकिन अगर मेरी जमीन है मैं देना नहीं चाहता तो मैं नहीं दूंगा, तो ये मेरे लिए सत्य है और आपके लिए भी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। और असहयोग, वो जहां तक होता है वो व्यवस्था से लड़ता है अपने असहयोग और ये करके। तो गांधीवादी दर्शन को ही यहाँ पे ये चित्रित किया गया, और जो समापन है उसका जो क्लाइमेक्स है वो भी कहीं ना कहीं उस तरीके से होता है कि अंत में वो शहीद भी होता है, लेकिन शहीद उसकी शहादत को भी ऐसे दर्शाया है कि वो भी हमको प्रेरित कर जाती है, प्रेरणा देती है। जी सर, निश्चित तौर पर एक तरह से हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीतिक उपन्यास है, क्योंकि इसमें राजनीति के बहुत सारे धरातलों को सामने लाने का प्रयास किया गया है। प्योरली नहीं है, प्योरली शुद्ध रूप से तो नहीं है, लेकिन सामाजिक और सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा उन्होंने चित्रण किया है इसमें, और वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन पूर्णतः राजनीतिक उपन्यास से कहा नहीं आ सकता। जैसे और भी जैसे श्रीलाल शुक्ला का एक उपन्यास है, नाम याद नहीं आ रहा, राग दरबारी तो नहीं, वो तो नहीं, दूसरा कोई है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो कह सकते कि प्योरली पॉलिटिकल उपन्यास पृष्ठभूमि पे लिखा गया है, तो ऐसे पूर्णतः राजनीतिक तो नहीं कह सकते, मगर राजनीतिक स्थितियां और सामाजिक स्थितियों का भरपूर चित्रण यहाँ पे किया गया। जी सर, निश्चित रूप से ले चले। जी जी सर, मैं किसी भी विद्यार्थी का अंतिम कोई अपने प्रश्न या अपने बात रखना चाहे तो अंतिम कोई भी विद्यार्थी अनुमति है, एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किन्हीं का कुछ अगर पूछना हो, कुछ कहना हो, आपको मत रखने हो, तो आपके सादर आमंत्रित है प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी ये भाषा विज्ञान तो है नहीं। नहीं सर, आज आप पूरा लोग कीजिए, आज कितने प्रश्न आपके सामने आए हैं उस दिन में कॉल करने, तो हिंदी में चाहे सर, एक सवाल ये है कि पेंशन में औद्योगिकरण को यहाँ विरोध क्या है, तो इस विरोध का क्या कारण होगा? देखिए, प्रश्न पूछा है आह्वान है ना, ठीक है, ग्लोरी जी ने पूछा है सर प्रश्न, ग्लोरी, हाँ ठीक है, ग्लोरी जी मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले ही हमने बात किया कि जो गांधीवादी दर्शन और विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित है इसका, तो आप ही कह रहे हैं कि सिगरेट की फैक्ट्री वो लगा रहा था और उसको लगाने का विरोध एक तरह से दर्शाया गया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसे औद्योगिकीकरण का विरोध के तौर पे कह सकते हैं? तो ये आरोप जो है गांधी जी के ऊपर भी लगे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो जो कहते थे कि भाई आप घर में अपना हथकरघा चलाइए और अपना सूत खुद बुनिए, अपना कपड़ा खुद बनाइए, तो इसका मतलब कि वो मशीनरी या जो औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में आ रही थी उसका वो विरोध कर रहे थे कि भाई एक एक मशीन अगर कपड़े लगाती है, हजारों मीटर कपड़ा बना सकती है, तो आज आप अपना चरखे से एक मीटर या दो मीटर कपड़ा बुन सकते हैं, तो आप कैसे दुनिया के साथ कम्पीट करेंगे और ये करेंगे, तो ये आरोप उनके ऊपर भी लगा। तो अगर हम इसको उपन्यास के तहत अगर इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें, जैसा आपने पूछा कि औद्योगिकीकरण का इन्होंने विरोध किया गया, तो
आज एक कंसेप्ट है, आपने शायद सुना होगा, सतत विकास, ठीक है, सतत विकास और संतुलित विकास। ये कंसेप्ट अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे गूगल करके, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ध्यान में नहीं आ रहा है, कि विरोध नहीं है, क्योंकि हम जो है आज की जो तारीख में जो हमारे पास है उसको अगर हम नकारेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। हमको भी अप टू डेट रहना है, हमको भी आगे बढ़ना है। जैसे आज चाइना जो है इतना आगे बढ़ गया, क्यों? उसका आज राज चल रहा है दुनिया पे, अमेरिका के बाद कोई शक्तिशाली राष्ट्र है तो चाइना, तो क्यों? प्योरली इंडस्ट्री के बेस पे, मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे, ठीक है। तो जो हम लोग नहीं कर पाए, हम पिछड़ गए, चाइना ने हमारा वो ले लिया। तो औद्योगिकरण का अगर हम विरोध करेंगे तो हम खुद ही पिछड़ जाएंगे, तो ये गलत है। लेकिन औद्योगिकरण किस शर्त, ये एक बड़ा प्रश्न है, कि हमको औद्योगिकरण का विरोध तो बिल्कुल नहीं करना है, और ना प्रेमचंद ने किया। लेकिन समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं उड़ीसा का उदाहरण देता हूँ, कि एक नियमगिरी करके पहाड़ था कलाहांडी में, जहाँ पे बॉक्साइट की खाने थी, तो वो बड़ा विवाद हुआ था कि वेदांता कंपनी जो है उसको अधिग्रहित कर रही थी, तो बड़ा आंदोलन हुआ था, देश भर में चर्चा हुई थी। क्योंकि अगर समझ लीजिए एक क्षेत्र है जिसके ऊपर कुछ आदिवासी हजारों साल से उनका उनका स्थान है, और जल, जंगल और जमीन तीनों के ऊपर उनका अधिकार है, तो आप आते हो और कहते हो कि नहीं, सरकार ने हमको ये जमीन बेच दी और हमने जो है इसको 10 करोड़ रुपए दे के खरीद ली, और उन 10 करोड़ में आप एक फैक्ट्री डालोगे और आप करोड़ों रुपए कमाओगे, लेकिन वहां से जो आप 50,000 या 10,000 जो आदिवासी हैं उनको अगर आप बेदखल करते हो, तो उनको आप क्या दे रहे हो? तो फिर वो क्या होता है, फिर शोषण के दायरे में आता है। कि औद्योगिकीकरण आपने ऐसा किया कि जल, जंगल, जमीन आपने ले ली, अपनी फैक्ट्री लगाई, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, पैसा कमाया, और बहुत पैसा कमाया, और पैसा सारा आपके पास संकेंद्रित हो गया, और आपने उनको इसलिए कि वो गरीब हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आपने ओने पोने दाम दे दिए, कि भाई आप एक को 50,000, एक को 40,000, एक को 30,000 दे दिया, और उसी फैक्ट्री से, उसी जगह से, उसी जमीन से, उसी प्राकृतिक संसाधनों से आप करोड़ों रुपया कमा रहे। तो ये ठीक नहीं। एक तो हमको सतत विकास, यानी ऐसा विकास जो कि हमारे प्राकृतिक वातावरण को, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, हमको ये करे, और वहां पे रहने वाला हर हर व्यक्ति, हर पशु, हर पक्षी को लाभ मिले, ठीक है, तो वो औद्योगिकीकरण जो है सफल होता है। नहीं तो क्या होता है, ये वन टाइम प्लेजर है, एक बार तो आपको दिखा कि बड़ा चकाचौंध भरी दुनिया, हमने फैक्ट्री लगा ली, ये कर ली, वो कर ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ ही सालों में जो है वो सारी चीजें जो है ध्वस्त हो जाती हैं, अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, और पैसा जो है, पूंजी जो है, वो बहुत कम लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज जो है एक स्वस्थ या एक हेल्दी कंडीशन आप उसको नहीं बोल सकते। तो इसका विरोध, क्योंकि प्रेमचंद जो है ऐसे कोई लेखक नहीं है, साधारण लेखक नहीं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो औद्योगिकीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं, एक तो फैक्ट्री डाल रहे हो भी किसकी, सिगरेट की, ठीक है, और वो आपने जमीन ले ली जबरदस्ती, तो जोर जबरदस्ती करके आप किसी की जमीन हड़प करके आप ये नहीं कर सकते, उस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया। नहीं तो वो जो है आधुनिकीकरण या औद्योगिकीकरण के विरोधी नहीं थे। जी सर, निश्चित तौर पर आपने सही कहा, क्योंकि वो जब फैक्ट्री लगती तो पहली चीज तो सिगरेट बनता, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए निकल के, और दूसरी नंबर चीज वो जब उपन्यास लिखी गई थी जिस पृष्ठभूमि पे, वो आजादी से पहले की उपन्यास है, तो कोई अंग्रेज आता वहाँ पे अपने पैसे के बलबूते पे उद्योग लगाता, उद्योग से स्वयं कमाता, और वो किस राष्ट्र का निर्माण करता है इकोनॉमिकली, तो उच्च राष्ट्र का जो हमारे देश पे राज कर रहा है, यहाँ विरोध करने का जो पूरा खाना बना था, मुख्य बिंदु यही थी कि एक विदेशी आता है, विदेशी कंपनी आती है, कमाती यहाँ पे है, और किस चीज से कमाती है, जो लोगों के स्वास्थ्य हानि पहुंचाती है और सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप करती है उस राष्ट्र को, हमारे ऊपर बसी हुई है, हमारे ऊपर राज कर रही है, तो यहाँ पे विरोध करने का मुख्य बिंदु ये था जो मुझे समझ में आता है सर। हाँ नहीं, यहाँ पे बाहर का कहीं तो नहीं थी, क्योंकि जो जमीन अधिग्रहित करने का था वो भारत का ही व्यक्ति था, हमारा ये था, तो ठीक है, तो चाहे वो देश का हो विदेश का, बहुत सारी बदल गई है और बहुत सारे दृष्टिकोण बदल गए हैं।
हमको भी कम्प्रोमाइज से, हाँ ये है कि उस दौर में ये देखा या गरीबों का दौर है और ना अच्छे दौर में समाज औद्योगिकरण के औद्योगिकरण तो नहीं करना है क्योंकि उसमें गुजारा नहीं है। सभी होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को संतुलित लाभ मिले, हमारे पर्यावरण का नुकसान ना हो और हमारी सामाजिक परिस्थिति उसका तनावा जो है टूटे नहीं और मैक्सिमम लोगों को मिलना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है कि सरकारी बहुत पूंजी लाभ है और कम लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाता है तो फिर उसका लाभ कुछ नहीं हुआ, उनकी नुकसान नहीं हुआ। तो अभिषेक जी अब इसको कंक्लूड करें। जी 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 सर, जी सर, निश्चित तौर पे वाइंड अप कर लें। जी 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 निश्चित तौर पे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने समय दिया और उम्मीद करता हूँ आपको भी उस दिन की कक्षा के कंपैरिजन में आज की कक्षा आपको भी बहुत बेहतर लगी है क्योंकि जब प्रश्न सामने से आते हैं तो पढ़ाने में भी एक आनंद आता है। तो सर इसके लिए विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मैं इस प्रकार से कक्षा की उम्मीद करता हूँ कि आप आए नियमित रूप से थोड़ी तैयारी करके आप प्रश्न रखे तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है और हमारे विषय विशेषज्ञों को पढ़ाने में भी मजा आता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरह सर आपका समय और आपका आशीष हम पे हम विद्यार्थियों पे देते रहे। मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया। ईद की छुट्टी है, बहुत लोग ईद भी मना रहे होंगे, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। देवाशीष सर थैंक यू सर निरंतर बने रहने के लिए हमारे साथ टेक्निकल टीम के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश सर एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद अभिषेक जी और हमारे टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद और सभी विद्यार्थियों को भी धन्यवाद और अगली बार और अच्छा हम लोग इंटरेक्टिव सेशन लेके आएंगे और अच्छा विषय लेंगे और आप लोग भी पढ़ के आएंगे, तैयारी करके आएंगे और अच्छा सेशन होगा इस उम्मीद के साथ हम समाप्त करते हैं। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप अपनी ओर से अपने कक्षा को एंड कर सकते हैं। विद्यार्थी आपसे भी अनुरोध है, आप लोगों को चाहे तो अपनी ओर से कक्षा समाप्त होती है आप अपने ओर से इस कॉल को एंड कर सकते हैं। थैंक यू।